नसीब फरमा बतूल दिया दिया दी किस्मत जी तुहानू अपने वतन नसीब होवे बतूल दिया दिया दी किस्मत अल्लाह ओ तई मौत ना देवे जे तई बतूल दा भेखा शहर ना देखे अल्लाह ओ तई मौत ना देवे जे तई करबला ना देखे अल्लाह ओ तई मौत न देवी जे तई बलार न वेखे जिथे बेमौसमियां ज़ईफ होइयां न लिंदियां अल्लाह मां बंदा हर जा ते धीयां नहीं लै जांदा धीयां बंदे उठे लै जांदे जिथों निकली न होवे मैं नुसरत मजलिस वास्ते खड़े होए तने सरदा आया हुक्माई के तुसीं मैं बशीर ते बात पढ़ना लेकिन मेरा अपना दिल कीता है जो मैं बेकफन दे दो लफ्ज गरीबी दे आखा इसे नहीं हुक्म किसे नहीं दिता अपनी मर्जी है ये खुतबे दे विच थोड़ा जे मसले पर लेकिन बाबा जी एक जुमला आखना चाहना मुर्शिद एक जुमला आखना चाहना नमाजी लोगो उलमा परस्त लोगो मजलसा दे नमाजी लोगो मौत बा अमल मजमा शरीफां दा नमाजियां दा मजमा नस्लां मुक गईयां हुसैन दे पुत्रां नूं रोंदियां यो मैं पढ़दे टुर गए रोंदे टुर गए कई रोंदे वधे न कोई पढ़दे वधे अल्लाह बाकी आवण वाली नस्ल नूं आबाद रखे जाए हुसैन नूं रोवणा ही है ते पढ़ना ही है लेकिन मैनूं इक गल दी समझ नहीं आउंदी बाबा बंगो शाह दी 28 रजब नूं भेण मामल ते चढ़ी है ਦਾ ਮੁਹਰਮ ਦੀ ਢਲੀ ਹੋਈ ਦੀ ਕਿ ਬਿਰਾਂ ਜ਼ੀ ਤੁਲਤ ਗੌਰ ਕਰੇ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ੀ ਮਜਮੇ ਪੜਦਾ ਪਿਆ ਲੋਕਲ ਮਜਮੇ ਚ ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ 28 ਰਜਬ ਨੂੰ ਭੇਣ ਮਹਮਲ ਤੇ ਚੜੀ ਦਾ ਮੁਹਰਮ ਦੀ ਢਲੀ ਹੋਈ ਦੀ ਕਿ ਬਿਰਾਂ ਜ਼ੀ ਤੁਲਤ ਮੈਂ ਕਸਮ ਜਾ ਕੇ ਆਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਰੋਵੇ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਲੇਕਿਨ ਕਸਮ ਜਾ ਕੇ ਆਦਾ ਭੇਣ ਹੁਣ ਤਾਈ ਆਦੀ ਵਧੀਏ ਤੇਰਾ ਲਾਣਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ ਬਿਰਾਂ ਬਦਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇਰਾ ਚੜਨਾ ਨਹੀਂ कोई ना रोवे भेण बिरा नो वधी रोंदी है बिरा भेण नो वधा रोंदी ओ चढ़ी औखी है ए लखा औखा है इजाजत दियो तो एक लफ्ज आख दो अल्लाह तो मुबा 28 रजब को प्यो अकबर दे
तैयारी दे दो जुमले अठावी रजब को प्यो अकबर दे ते कीती भेण दे नाल सलाई के बड़े गए दे ना दे वो क्या करना है अठावी और रजब को ब्याह
ਵਰ ਦੇ ਤੇ ਕੀਤੀ ਭੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਈ जितने भी दिन भेण बिरा दे में उतने वादे पड़े वैन दी शक्ल है नहीं वादा जे पुत्र भी दिते हैं दीन ना बचिया दे समाधि भाग रिदा ए भिरा नाल वादा कीतस हुण मां दी कब्र ते आ खड़ी अदी अम्मा अम्मा ए तेरा पेका शहर है मेरा नानका शहर अम्मा तू माए में दी अम्मा एक बारी बाहर आके देख तेरिया पेकियां गलियां च मेरा कल्ला वदरू तेरिया पेकियां गलियां जानिया पारदा डिटियां नी बेमौसम बेटुर अम्मा एक बारी कबर तो बाहर आके पुत नू रेंदा दे धी दी तैयारी भी अम्मा बिरा बदो रोंदा वदे मैं बिरा नू कलिया नहीं छोड़ सकूं मैं वतन पे छुड़े नी आ गल्ला पे टुर दे मेरी हुसैन तू बगैर निभदी नहीं अम्मा कबर तू बाहर आके पुत ते धी दी तैयारी भी नाले अम्मा मैनू दुआ कर मेरी बिरा नाल पूरी उतरे अम्मा तू जानदी है ना जरा मेरा हक धोया मैं आप तेज लिखाया बहीक दीवार मैं बिरा नू जरूर मिलने हर रोज मैं बिरा नू मिलना मेरी बिरा तू बगैर लिपदी नहीं अम्मा तू जानदी है मेरी बिरा तू बगैर लिपदी नहीं अम्मा कबर दोबारा के वेग बेमौसम वतन बेचने अम्मा मैं वतन दे बिरा तू बगैर रह नहीं सकती अम्मा मैनू दुआ कर मेरी बिरा नाल पूरी उतरे कबर अली आवाज आया ज़ैनब ओ मार दे सुन भाई सुने ओ मार दे तू बरदार निभदी आई तनावां सुने भाई पर आया मुल दुश्मन जमाना जंगल बयाबान जेर ते हार दिया लोई ओ मार दे तू बरदार निभदी आई तनावां निभदी आई तनावां जदा मां क्या निभदी आई तनावां हुण मां दी कब्र ते बो सदे के आदि अम्मा मेरी निभदी नहीं अम्मा मैं बिराद बगैर रह नहीं सकती अम्मा मेरी मजबूरी है मैं रह नहीं सकती अम्मा मेरी निभदी नहीं अम्मा मेरी मजबूरी है कबर अली आवाज आ जाए नब केड़ी मजबूरी है हुण मां दी कब्र ते बो सदे गया दी अम्मा मेरी या मजबूरी है वो तारीख हुसैन दे कत्ल दी अम्मा ते मैं किसनिया ते लिख वैसा
ਗੱਲ ਦੀ ਅਮਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸਣੀਆਂ ਤੇ ਲਿਖਵੈ ਸਾ ਇਹ ਜੁਰੇ ਮੁਕਟਾਏ ਵਿੱਚ ਸਜ ਦੇ ਦੇ ਹਰ ਕਾਤਲ ਤੋਂ ਮਨਵੈ ਸਾ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਵਾਦਾ ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ मेरा वादा हो गया मेरे अल्लाह अखी अपने पुत्रां दे दुखां तो महफूज रख मेरा अल्लाह अखी अपने परदियां दे दुखां तो महफूज रख मेरा अल्लाह अखी अपने घरां दे दुखां तो महफूज रख मेरा अल्लाह इन्हां अखी नूं दुख देवे तां करबला दे कोठियां नाल वरना ये अखी अपने हिस्से बंगे दियां खुशियां नाल आबाद ना मिले मेरा मालिक ये अखी हुण तो चल के कयामत तक रोवे रोवे नूं नानू जिन्हां नूं धीआं ते बहिणां नहीं रोंदी ये नानू रोवे जिन्हां नूं रोवणा सवाब है मालिक इबादत हर मोमिन दी अखी नूं नसीब फरमा एक सलवात बा जमात होके पढ़ो आले मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद कितनी अजीम कहानी हुसैन दी कितनी अजीम कहानी हुसैन दी बचपन हुसैन दा ही जवानी हुसैन मनद सर जी दुनियापुर का खतीब है सुन्नत अल जमात का मुलाजिम हुसैन डोगर ये उन्हें चार सतना लिखी वादा कितनी अजीम कहानी हुसैन दी बचपन हुसैन दा ही जवानी हुसैन दी वो सुनी खतीबा दा ए जिया सोना दहाई बीबी फातमा दा लाल रोजाना रसूल चुमदा भाई पेशानी हुसैन ए जिया सोना दहाई बीबी फातमा दा लाल रोजाना रसूल चुमदा भाई पेशानी हुसैन दी अल्लाह तो आबाद रखे बाजमात होके एक सलवार पढ़ दे अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद इजाजत है मैं दो लफ्ज फजाइल दे शक्ल एक कसीदे च नजर कर सकता अल्लाह तआली नबी दराज फरमा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी इस कायनात दे विच यो तैयब ते ताहिर ते बेलग बेअब ते लारैब खानदान खल्क कीता है और इतना पाको पाकीदा खानदान है अल्लाह ने इस खानदान के किरदार को इकट्ठा करके पहले 30 सिफारे बनाए फिर ना कुरान रखे कल समझ अल्लाह ने इस खानदान के किरदार को इकट्ठा करके पहले 30 सिफारे बनाए फिर ना कुरान रखे और अल्लाह ने अपनी कायनात पाको पाकीदा खानदान बनाया
इन्हां दा इतना पाक दिवे है तिला रहे जिक्र बनाया ये जिक्र ना जाकिर दा मौत आजे ना आलम दा मौत आजे ना बानी दा मौत आजे ये जिक्र ना तादाद दा मौत आजे ना जायदाद दा मौत आजे ये जिक्र ना शकल दा मौत आजे ना लिबास दा मौत आजे अल्लाह इस कायनात चे पहल और आखिरी जिक्र है कायनात मौत आजे जिक्र किसे दा मौत आजे और मैं बामल ते नमाजी मजमे पढ़ता पिया मैं आप ही नमाज पढ़ के आया बामुजू खड़ोता और मैं कसम जा के आदा अल्लाह ने जिक्र करण वास्ते जबाना चुनिया ने अल्लाह ने जिक्र करावन वास्ते बंदे चुने अल्लाह ने जिक्र वास्ते ओ जाई चुनिया ने जिथे हुसैन दा जिक्र सोना ना हर जबान ये जिक्र कर सकती है ना हर बंदा ये जिक्र करा सकता है ना हर जाते ये जिक्र सोना लगता है। ऐसे गिराज लोगों को बहुत बड़े पैसे हो से ढेर मुरब्बे बंगले कोठियां कारा हो से ढेर सारिया जायदादा हो से लेकिन हुसैन दे जिक्र दे पैसा हुआ लगता है जने उते हुसैन दी अम्मा दी मोहर लगी है। बुजुर्ग नमाजी लाकरां दे शागिर्द हैं बामल लाकरां दे तहज्जुद गुजार साकरां दे शागिर्द हैं बड़े दिन लोग इन पढ़दे हैं मुल्क दे जाकिर हैं लेकिन बड़े आया औखा जिहा वक्त आ गया मैनूं ये अरमान लगता है इलमी इस दौरे च ज्यादा है ढेर इलमी वैसा घर नहीं जिंदे विच इलम ना होवे गरीब तो गरीब घर इलम जरूर है मैनूं ये पता नहीं लगता जो बंदे अजकल इतना भी नहीं सोच सकते नमाज अगर कज़ा हो गई है तो बंदा कज़ा अदा कर सकता है इंज ना अल्लाह हर मोमिन नूं नमाज पढ़न दी तौफीक देवे जिहड़े सजदा करदे ने अल्लाह अजर अज़ीम देवे लेकिन कदे घर बह के सोचे नमाज दा फरीदा पढ़नी होवे या कज़ा अदा करनी होवे मस्जिद च जावे तां तू वुज़ू करना है मजले से जावे तां तैनूं वुज़ू दा चेता ही नहीं सिर पे नाराज नहीं होना अगर मस्जिद जावे तो वुजू करें तो जिक्र चावे तो वुजू ना लाया कर वुजू ना लाया कर चूंकि मस्जिद अल्लाह का घर ही इमाम बारगा हुसैन का घर ही हुसैन अल्लाह नाल सौदा किया हुसैन आख्या मालिक तेरे घर सजदा होता है मेरे घर जिक्र होता है आप घर बटा लीए सजदे आला घर मैं दे दे जिक्र आला घर तू दे कद बह के सोचिया कर मैं अक्सर मजल सजा दाना मस्जिद चासे तो हुसैन राजी हो सही जिक्र चासे तो अल्लाह राजी हो समझ आ भी क्योंकि सजदे का हुसैन रामे ने जिक्र का अल्लाह रामे ने हुसैन आख्या मालिक मैं तेरी बका का रामे ना अल्लाह आख्या हुसैन मैं तेरी हुसैनियत का नाम नाराज तो नहीं हो नाराज तो नहीं हो उलमा दा मजमा है उलमा परस्त मजमा है मैं कसम जा के आदा अल्लाह दियाँ खल्क कीती हुई इबादत चूँ दो इबादत अफजल है या अल्लाह दा सजदा अफजल है या हुसैन दा जिक्र अफजल है कायनात दुश्मनी होए नाल भरी जावे ना कोई अल्लाह दा सजदा रोक सकता है ना कोई हुसैन दा जिक्र रोक सकता है। ना बड़े दौदी अपनी मर्जी लेकिन हर बंदे नमाज पढ़नी है तो अपने वास्ते पढ़नी है। मैं काबे दा हजिया अली दी धी दा दरबारा बाप हुसैन दी बाप माँ दा दरबारे तेरी मिन्नत करें ना हुण तो चल के कफन तक कफन तो चल के कबर तक कबर तो चल के माशर तक माशर तो चल के अली दी अदालत तक ये मेरे कोल तुहाडी अमानत है मैं अपना फर्ज अदा कर रहा या अल्लाह दा सजदा अफजल है या हुसैन दा जिक्र अफजल है अल्लाह मालिक है हुसैन मखलूक है सजदे दा जामिन अल्लाह बन हुसैन बने आई जिक्र दा जामिन अल्लाह बने आई अगर तेरी मर्जी अगर हुसैन नु मनदा है तो हुसैन दे मनण वाला बंदा दो जगह
दरगाह ते सोना लगता या अल्लाह दे सजदे सोना लगता या हुसैन दे ज़िक्र सोना मैं मेरिया थोड़े को ड्यूटियां थोड़ी मैं मेरा मेरिया ड्यूटियां पहाड़ी इलाके से आदि लाइया मैं वल्लाह बाह शाइन अज तक ना किसी से हिट की ना कि फिरकाबाजी ना चोट ना इतराज मैं यो जी जाकरी पकाई भी ना मैं यो जी जाकरी ना करदा ना मैं पकाई सत्या दिया गल सत्या सोनिया लगदियाँ शरीफों के जिक्र शरीफ सोने लगते बाबा मंदर शाह जी अलामा वजीर हैदर नजफी रहीम यार खान कौम नई अजय बंदे वत नहीं लगने बड़े नुकसान हो गए कौम के जो ये बंदे टुर गए अलामा वजीर हैदर नजफी ते किसी बंदे सवाल किया कि किबला ये फरमाओ जी जा जा ते मस्जिद है इतने भी मस्जिद है इतने भी मस्जिद है इतने भी मस्जिद है यदि कोई दलील कोई सबूत कोई तारीख कोई आयत कोई हदीस कोई मासूम का फरमान अलामा वजीर हैदर नजफी रहीम यार खान लोगों वो उत्ते सवाल किए किबला साहब उन्होंने सवाल का जवाब दिता जदा हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल और हजरत जिब्रील अमीन ने अल्लाह का घर बनाया तो अल्लाह का घर बन गया अल्लाह के घर तो कुछ मिट्टी बच गई ते हजरत इब्राहिम अपील की थी मालिक इस मिट्टी की निस्बत है तेरे घर दे नाल बोलिया हजरत इब्राहिम अपील की थी मालिक इस मिट्टी की निस्बत है तेरे घर नाल घर तेरा बन गया ये मिट्टी बच गई है किबला साहब और उन्होंने सवाल का जवाब दे रहे मालिक ये मिट्टी बच गई है इनू आप हिफाजत दी करो आवाज़ तौहीद है इब्राहिम घर मेरा है मेरे घर की बची हुई मिट्टी है इस मिट्टी की मैं अल्लाह आप हिफाजत करे किबला साहब और उन्होंने सवाल का जवाब देने और किबला साहब ने फरमाया खालिक कायनात का हुक्म होया जिब्रील जी मालिक जल्दी आ मेरा घर तैयार है और मेरे घर तो मिट्टी बच गई है मेरे घर की बची हुई मिट्टी अपने परां ते रख और मेरी पूरी कायनात छिड़का दे मैं अल्लाह चाहता मेरे घर की बची हुई मिट्टी का जिथे जिथे जरा डासी उठाई मैं अल्लाह का घर अरे बोलो भाई अल्लाह जिथे जिथे जरा डासी उठाई मैं अल्लाह का घर बनसी गल अगली सुनिया किबला जरा इस सवाल का जवाब दिता है लोगों सवाल किया किबला ये तो सवाल बिल्कुल असा मुतमईन है जो अल्लाह हुक्म दिता मेरे घर की बची हुई मिट्टी मेरी कायनात छिड़का दे किबला ते जेड़ा जा जाते लोग अदादार मातमी इमाम हुसैन का घर बना दे इतें भी इमाम वर्गा इतें भी इमाम वर्गा इतें भी इमाम वर्गा इतें भी इमाम वर्गा ये मुतलक कोई जवाब कोई ऐत हदीस कोई फरमान ये मुतलक किबला साहब और आंसू आ गए और किबला साहब और फरमाया जरा मेरे आका हुसैन अलैहिस्सलाम जहरी जिंदगी का आखिरी सजदा दीते खालिक कायनात का हुक्म है जिब्रील मैं अल्लाह आदिला जल्दी कर मेरे हुसैन दे सजदे वाले मिट्टी अपने परां ते रख मैं अल्लाह चाहता मेरी कायनात जितने घर मैं अल्लाह दे होवें उतने घर मेरे हुसैन दे सजदा अल्लाह दा जिक्र हुसैन दा सजदा दा जामिन हुसैन जिक्र दा जामिन अल्लाह अल्लाह क्या हुसैन तै मेरे नाल जेड़ा सौदा कीता है
ये किसे नबी भी नहीं कीता। आ जिहड़ा सौदा तू मेरे नाल सजदे आला कीता ना, ये मेरे नाल किसे नबी नहीं कीता। हुसैन आसमान दे पास वेख्या दा मालिक ए सौदा सौदा तेरे नाल उसे करना जदी मां दे नाम बतू ना। मालिक मैं सदी का मां दा पुत्रा, मेरा वादा हो गया सजदा जाने ते मैं हुसैन जा। हुण भाई मैं कसीदा पढ़ा, जाकिर पहुंच गए इंतजार दी मजले सही। मैं क्या कोई दो त्रै घंटे पढ़ना पवे तो मैं पढ़ जाऊं। लाकर पहुंच गए, इजाजत है मैं कसीदा पढ़ा। सलवात बा जमात हो गए सारे पढ़ो। बाप बड़ा अजीम मजमा बा अमल ते नमाजी मजमा। कसीदे तो पहले तारफी दो जुमले आखा। प्यो दे तख्त जे जुती रखी सी भाई, लोकल मजमे च नहीं पढ़ता पिया, मरकज दे मजमे च पढ़ना। ते तकरीबन चार दे टाइम नेड़े होवन आला है। इसलिए नवा शिया मजले से च नहीं आता। नवा शिया उसले आंदा है जिसे लंगर दा टाइम हो। इंजे ना लंगर तो बाद या पहले वो बंदे जिन्हां नूं मामा जोली च बवा के सुनन ते बोलन दा बल सिखायो। सुनिंदा कि मैं इन्हां दा जिक्र ते बुलिंदा कि मैं आलम दे हथ रख के आदा पिया। बद दुआ नहीं लेकिन इल्तजा है, मेरी अपनी औलाद ही भावे इस दुआ दे विच शामिल होवे। मेरा अल्लाह शाला वो जबान ही ना देवे जिहड़ी हुसैन दे जिक्र च ना बोले। गल समझ, अल्लाह तुहानू आबाद रखे। इंज आखा कलोज कर लवां अजीम लोगों पढ़ता पिया। दुनिया ते जुत्ती रख के टुर पईए, मदीने आके दीन नू सजदा कीता। दुनिया ते जुत्ती रख के टुर पईए ते मदीने आके दीन नू सजदा कीता। एक सोहना जिहा जुमला इस बीबी दा आखना चाह। इस अंदाज नाल सजदा कीता फखरे आजरा बीबी, फखरे मरियम बीबी, फखरे आसिया बीबी, फखरे कलसूम बीबी, तहरा बीबी, सकिया बीबी, अमीना बीबी, सदीकतुल कुबरा साहिब। बीबी दे कदमा ते बोस लेके आदि बैठी है। बीबी मैं सात दी कनीज नहीं, मैं सादात दी कनीज। बोले करो मजने से, बोले करो। बीबी मैं जात दी कनीज नहीं हाँ, मैं सादात दी कनीज हाँ। बीबी ना मैं आप गरीब हाँ, ना मेरा प्यो गरीब है। बीबी मैं बादशाह प्यो दी बादशाहदादी धी हाँ। प्यो तो बाद प्यो दे तख दी अकलौती वारिस हाँ, प्यो दे ताज दी वारिस हाँ। बीबी जदा मैं प्यो दे बाद प्यो दे तख्त ते पेका ताज पा के बांधिया, मैं प्यो दी रियाया ते हकूमत कर दिया। मेरे प्यो दे तख्त दे सामने खाकी आंदे आन, गुनाहगार आंदे आन, खताकार आंदे आन, सवाली आंदे आन। बीबी ओ है मेरे प्यो दा तख्त, ए है तेरा ततहीर आला दरवाजा। इस दरवाजे ते या नबी आंदे या मलाइका आंदे। है बीबी ये दसा इन्हां दे नाल गल्लां किवें करी दी। सारे बोलो भाई, जेड़े तेरे बूहे ते आंदे, जेड़े तेरे बूहे ते आंदे, इन्हां दे नाल गल्लां किवें करनियां। बात बड़ा अजीम मजमा सतर समझे। हां बीबी इन्हां दे नाल गल्लां किवें करनियां। इतना इल्म अता फरमा दिता हुसैन दी पाक मां। दूजी दीवार जिबरील बूहे ते आके पुछदा खड़ोता है, हां फिजा इन्हां पाका नाल गल्लां किवें करनी। मोहम्मद पर इतराजी हो। इजाजत है भाई, वक्त नजदीक हो गया, हिस्से मांगने वास्ते दो शेर कसीदे दे सलवात बाबा दे बुलंद होके पढ़ो। मैनु ताज ते शाही तो वादे दिसदा, 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 मैनु ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੋਂ ਵਾਧੇ ਦਿਸਦਾ।
मेरी दुआ सारे बोला भाई ततहीर आला दरवाजा है मेदाजे बतूल रखन आली बतूल दी कनीर मेरे सरदार कंबर नाल गल भी कर दी है मेरी सैन कंबर नु वेख्या दी भई है मैनु ताज तशाए तो वधे दिसदाए 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 जेड़ा पाका दे घर वच महरानिया मैनु हबेशन समझ के फखार न कर मैनु हबेशन सुखी वसो भैने अलाबाद कमर वे क्या बीबी अपनी तारीफ की मेरी नौकरी घट है मेरी नौकरी घट है अली मिंबर ते जामना ने अली मस्जिद वने अली मैदान वने तैयारी मौला दी मैं करें ना फिर मौला सफर करें जंग ते वने ता घोड़ा मैं तैयार करें ज़ीन मैं सजाए ना ता मौला ली जंग ते वने मस्जिद वने ता तैयारी मैं मिंबर ते वने ता तैयारी मैं करें मैदान वन तो घोड़ा मैं तैयार करें जब कंबर है जुमला क्या उस मेरी सैन कंबर दे पास वे क्या दिए तेरी ताकत नहीं पाई मेरी नौकरी ते मेरी नौकरी वादे तेरी नौकरी ते बोले करो मजलिस अल्लाह हुसैन दे सदके हर बंदे को जबान देती है बोले करो मेरी सैन कंबर दे पास वे क्या दिए तेरी ताकत नहीं पाई फिर पढ़ देना मेरी सैन कंबर दे पास वे क्या दिए जुमला वड्डा आखना चाहना मैं हक दी कनीज दा जिक्र पे करदा समझ आंदी भी मैं हक दी कनीज दा जिक्र पे करदा बंदे इस बीबी दी अजमत नहीं समझे बाबू तो खड़ो तम काबे दा हाजी अली दी धी दा दवार कुरान दी कसम जा के आदा पैगंबर इस्लाम तो चल के इमाम ए जमाना तो चल के इस दम तक अजा तई अल्लाह ओ सैयद नहीं बनाया जेड़ा इस बीबी दा ममनून ते मकरूह बिस्मिल्लाह समझे एक शेर है ना कि बस इसकी खिदमत का एक हवाला है इसकी खिदमत का एक हवाला है जहान पालने वालों को इसने पाला की खिदमत का एक हवाला जहान पालने वालों तुम्हारी जिंदगी हो कमर में क्या दा बीबी जी मेरा अल्लाह करी बस इसकी खिदमत का एक हवाला जहान पालने वालों इसने पाला कमर में क्या दा बीबी ये दा फखर न कर
मेरी सहन ले के आज ये कमर पहली तो गल है अल्लाह फखर ही नहीं बनाया जेड़ा बतूल दे बूहे ते कीता रे मैं आई तो कनीज बन गया लेकिन एक करीम एडे वे ने मेरी नीयत वेख के मैं कुरान च हिस्सा दे सुनिया भाई कमर वेख के आता बीबी अपनी तारीफ अपनी तारीफ अपनी तारीफ बीबी तो सुनिया नबी कोलू नबी दी हदीस अली दा चेहरा वेखना इबादत अली दा नाम चावना खत्म कुरान दसवा कमर वेख के आता बीबी मेरी जिंदगी दा कोई ऐसा लम्हा नहीं जेड़ा मैं ये इबादत ना करें दो जिंदगी दे हर लम्हे मैं चेहरा वेद इबादत आँदी है ना चाहवा तो खत्म कुरान का सवाल जरा कंबर एक गल की थी उस वे मेरी सैन कंबर दे पासे वे क्या दी है इसे जर तो खुश हो वेदा है सो खत्म कुरान दे लेना है लख खत्म कुरान दे हो वेदे कबूल फरमा मसाय ठीक है ना कबूल फरमा मसाय पढ़ा मैं अल्लाह करी दे आदरी कबूल फरमा मालिक करो पुत्रा नाल आबाद रखी चेला मनांदे सोने लगदे जिन्हां दे वारिस जींदे होने सन्नियां दी प्री सत्थर बिराद होवे सोना बहना नाल लगदा जनाजा बहन दोवे सोना बिराव नाल लगदा समझ आती पी उस बिरा का जना का सोहना लगता है चावन आए बिरा होवन आदियाँ बहन होवे उस बेण का जना का सोहना लगता है चावन बिरा कबर पेके शहर चवे गल समझ आती पी अल्लाह तारी जिंदगी दराज अले मुहम्मद तुम हमेशा मेरी दुआ अल्लाह हर बहन को बिरा नसीब करे एक जानी दुआ लंबी मजलिस नहीं हाजरी इतनी कही जितना भाइयों ने हुक्म दिते कबूल फरमा मैं क्या कि अल्लाह हर भेड़ को बिरा नसीब करे बर तकदीर किसी भेड़ का बिरा मरे लेकिन कसम जा के अगर गरीब भेड़ बिरा की कबर से जुमेरात नूं भी आवे महीने तो बाद आवे साल तो बाद आवे जदा ही बिरा की कबर से आसी फुल लै के आसी अल्लाह की कायनात पहली और आखिरी अली की धीए साल तो बाद बिरा की कबर से फुल लैके नहीं आई शाम ने लथी हुए देवर लैके मेरा की कबर से फुल लैके नहीं आई शाम ने लथी हुए देवर लैके आइए ते कबर ते रखी बैठी आधी बैठी गुसाएं असं डिठे हुए कोई ना नू ना पवाए असा साल हंडाए गुसाएं साल तो बाद ना मंगे असा मलाए नहीं ये जेवर बच्चे शाम जो तरी कबर ते घिनाइया ना मंगने पौसे ना पवावने पौसे ना आपे पाल है साई कोई हो शाम ही तब अलावा अल्लाह वतन नसीब कर एक जुमला हाथ वाले अगवात बदिखरो जेड़े उमती बैठे हो तारे पैरों की खाक हो जेड़े सैयद हो तारी नौकर का पुत्र हाथ बन के मिन्नत करके ही के गल या जवाब मंगना गरीब अमीर है सैयद उमती है मिन्नत करके इस गल का जवाब मंगया मैं देसे अल्लाह की कायनात मैनू वो भेड़ ते बिरा भी खां जो बिरा तो चेहरा मोहे ते भेड़ कह दीजिए
बस एक वर्ष आई पेके कब्रिस्तान देवी पेके आई पेके कब्रिस्तान देवी मैं पेका मुल्क नहीं आखी मैं पेकी नगरी नहीं आखी मैं पेका वतन नहीं आखी मैं आधा खड़ा आई पेके कब्रिस्तान देवीच अल्लाह दी कायनात च ए पहली और आखरी अली दी थी जंदिया पेकियां दियां कबरां नाल इकरी कब्रिस्तान भरी दी पेकियां दियां कबरां नाल इकरी कब्रिस्तान भरी गया ताई मैं आधा खड़ा आई पेके कब्रिस्तान ते माँ आन दी साल तू बादी कट माफ़ ने दिया कबरा को वो जब दी गए हाथ आला आला अपने हाथ नाप के बिरानुआ दिखरिया उठ मिले